देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। शुरुआत करते हैं नेशनल अपडेट्स की, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पुलिस थाने से 6 ट्रक हुए गायब, पुलिस थाने में मचा हड़कंप। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गौरव यात्रा के साथ पहुंची सिंघाना, राज्य का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। अमित शाह कल गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र के रहे दौरे पर, मीडिया कर्मी को कार्यक्रम के कवरेज के दौरान रखा दूर। समाज सेवी विष्णुदत्त शर्मा ने श्रीमद् भागवत कथा का किया आयोजन, धार्मिक कार्यक्रम को लोगों ने बताया सराहनीय। और अब खबरें विस्तार से। विंध्यनगर में शिक्षक द्वारा छात्र छात्राओं को स्वच्छता के प्रति शपथ दिलाई गयी। इसके बाद विद्यालय में शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा स्वच्छता प्रतियोगिता का आयोजन कर विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। इस मौके पर गणमान्य लोग मौजूद रहे। जिले के मारवाड़ उपखंड के विभिन्न गांवों का केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी ने दौरा कर विकास कार्यों का लोकार्पण किया। चौधरी ने चिरपटिया ग्राम पर 60 लाख रुपए की लागत से बनी गौरव पथ का लोकार्पण किया और संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने बार बार सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में गणित विज्ञान विषय के चयनित अभ्यर्थियों ने विधायक अशोक डोगरा को ज्ञापन सौंपा। रीट भर्ती 2018 गणित विज्ञान विषय के अध्यापकों की नियुक्ति पर रोक लगाई हुई है, जिसकी अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को है। यदि नियत तिथि को सुनवाई होती है तो फैसला आने तक आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में नियुक्तियों में विलम्ब हो सकता है। सरकार से मिलकर भर्ती प्रक्रिया को आचार संहिता लागू होने से पहले पूरा करवाए, ताकि नियुक्तियों का मार्ग प्रशस्त हो सके। उपखंड के बाकली गांव के जन कल्याण जागरूकता संस्थान के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन रविवार को संस्थान संरक्षक लक्ष्मण सिंह देवड़ा और वंकेश्वर महादेव सेवा मंडल के अध्यक्ष सुर सिंह देवड़ा के हाथों किया गया। वहीं जन कल्याण जागरूकता संस्थान पिछले 4 वर्षों से जन सेवा और जन हितार्थ कार्य करती आ रही है। मैं जन कल्याण जागरूक संस्थान का मेंबर है। हमारे जन कल्याण जागरूकता संस्थान पिछले 4 वर्षों से जन हितार्थ और जीव दया, बाकी और भी बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रही है पिछले 4 साल से। और ये गायों के लिए हरे चारे की व्यवस्था गर्मियों का टाइम में उपलब्ध करवाती है, पानी की सुविधा उपलब्ध करवाती है और गर्मी का टाइम में पीने का पानी उपलब्ध करवाती है। वाटर कूलर लगवा के या टैंक लगवा के और किसी भी प्रकार से सहायता करती है पिछले 4 साल से कंटिन्यू। हमारी संस्था के अंदर 36 कौम के लोग शामिल हैं, जो एक ही दर्जन पे बैठ के जो भी निर्णय लेता है लेना है वो सब लोग मिलजुल के लेते हैं और सब सहमति से लेते हैं। इसमें किसी को कोई प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं होता है और करीबन ये पिछले 4 साल से ऐसे चल रहा है, चलेगा और चलता रहेगा।
बुंदेलखंड की प्रसिद्ध नगरी कोच में बड़ी पूजा का हर तृतीय वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य शुभारंभ हुआ। इस बड़ी पूजा का शुभारंभ होते ही हजारों भक्तगणों की भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि ये पूजा हर तृतीय वर्ष में होती है, जिसमें मां के प्रति भक्तगण ने मां के जयकारे लगाए और जयकारों से नगर झूम उठा। लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर गणमान्य लोग मौजूद रहे। जालौन में बीती रात खनिज और आरटीओ विभाग द्वारा ओवरलोडिंग के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 15 ओवरलोड ट्रकों को सीज किया गया था, जिन्हें उन्होंने कदोरा थाना पुलिस को सुपुर्द किया था। सीज किए गए 15 ट्रकों को थाने में खड़ा किया गया, तभी आज सुबह 15 ट्रकों में से 6 ट्रक गायब थे। थाने से ट्रक गायब हो गए और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी, जिसके बाद दोपहर तक जब ट्रकों की गिनती की गई तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले को लेकर पुलिस ने काफी मशक्कत भी की है, लेकिन गायब हुए ट्रक उनके हाथ नहीं लगे, जिससे मोरंग के ओवरलोड के खेल में पुलिस की संलिप्तता भी नजर आ रही है। मामला जब एसपी के संज्ञान में पहुंचा तो उन्होंने पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं। ये जानकारी में आया है कि बीती रात एआरटीओ नायब तहसीलदार और एसएचओ का दौरा की मौजूदगी में 15 ट्रक विभिन्न कारणों से, ओवरलोडिंग अन्य कारणों से सीज किए गए थे और उन्हें थाने में स्थान न होने के कारण मुख्य मार्ग पर खड़ा किया गया था। सवेरे 6 ट्रक उसमें से मिसिंग हैं, जिसके संबंध में स्थानीय पुलिस जांच कर रही है और उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी पवन, बताएं क्या है ये पूरा मामला? देखिए, मैं बता दूँ कि आपको पुलिस अमृतसर में कैदियों के फरार होने की घटनाएं तो अक्सर सुनने को मिलती है, लेकिन जालौन में एक नया मामला सामने को मिला है कि जहाँ पर वहाँ से लेकिन बताया जा रहा है कि जब ट्रक गायब हुए तो पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी, तो क्या ये कहना सही होगा कि पुलिस प्रशासन भी इसमें जुड़ी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि पुलिस को भनक तक नहीं लगी, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल क्योंकि इसमें बिल्कुल पुलिस की मिली भगत रही होगी और वो ट्रक छुड़वा दिए गए हैं और इस पुलिस प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही कही जाएगी। इस वक्त पुलिस की क्या प्रतिक्रिया चल रही है वहाँ पे? इस समय देखो, एसपी से जब वहाँ पर बात की गई है तो उन्होंने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है, मामला हमारे संज्ञान में पहुंचा है और पूरे विभाग की उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता पवन गुप्ता। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांदीकुई शहर के बालाजी मंदिर से पदयात्रा रवाना हुई। बांदीकुई सैन समाज के तत्वावधान में नारायणी माता के लिए हर वर्ष जाने वाली पैदल यात्रा हर वर्ष की भांति इस बार भी शहर के बालाजी मंदिर से विधिवत के साथ पूजा अर्चना कर रवाना हुई, जिसमें जैन समाज के सैकड़ों महिला पुरुष ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाज सेवी विष्णुदत्त शर्मा ने बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र का प्रसिद्ध स्थान नंदेरा की डूंगरी पर संत महाराज के स्थान पर विशाल श्रीमद भागवत कथा यज्ञ का आयोजन किया गया। नंदेरा की डूंगरी पर विशाल भागवत कथा की तैयारियों को लेकर पूरे बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह होर्डिंग बैनर लगाए गए हैं। श्रीमद् भागवत कथा की तैयारियों को लेकर आज समाज सेवी विष्णुदत्त शर्मा के नेतृत्व में बांदीकुई विधानसभा के अनेकों गांवों में जाकर लोगों को निमंत्रण दिया। लोगों ने जगह जगह समाज सेवी विष्णुदत्त शर्मा का स्वागत किया और लोगों ने इस धार्मिक कार्यक्रम को सराहनीय बताया। बांदीकुई उपखंड के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल करनावर वाले सांवरिया धाम में हजारों की तादाद में लोग प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं।
धर्म प्रेमी बंधुओं द्वारा प्याऊ लगाया गया। कार्यक्रम में समाज सेवी एडवोकेट विष्णुदत्त शर्मा ने शिरकत की है, जिनका स्वागत कमेटी ने साफा बांध कर किया। विष्णुदत्त शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि सांवलिया धाम पर राधा और श्याम कुंड बनवाए जाने की घोषणा की गई। वही कार्यक्रम में पहुंचे पीसीसी महासचिव गजराज खटाना ने बाबा श्याम के दर्शन कर धाम पर 10 लाख की लागत के कार्य कराए जाने की घोषणा की और मेले में आए लोग देर रात तक भंडारे में प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र का भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दौरा किया, लेकिन अमित शाह खराब मौसम के चलते करीब 52 मिनट देरी से गंगापुर सिटी पहुंचे। इसके पश्चात हाई सेकेंडरी स्कूल में बनाए गए पांडाल में शक्ति केंद्र कार्यक्रम में भाजपा के कार्यकर्ताओं की जीत के मंत्र देने जैसी बात कही और किस प्रकार आगामी चुनाव में जनता को लुभाया जा सकता है। शक्ति केंद्र कार्यक्रम में 18 मंडलों और 130 शक्ति केंद्रों के 4,065 से भी अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसमें अमित शाह ने मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोर शोर से भाजपा जीत के लिए कार्य करने को कहा। और इस दौरान अमित शाह ने आगामी चुनाव 2019 में जीत दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं से हाथ खड़े कर आश्वासन लिया। शक्ति केंद्र कार्यक्रम में मीडिया को कवरेज करने के लिए दूर रखा गया। कुछ मीडिया कर्मी खबर बना रहे थे, तभी अचानक अमित शाह ने बोला कि इनके मोबाइल छीन कर रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी जाए। तब सभी मीडिया कर्मी अपने स्तर पर सभा से बाहर आ गए। अमित शाह ने यह भी कहा कि पहले तो कांग्रेस सरकार अपनी पार्टी का मुखिया निश्चित करे। कार्यक्रम में आम जनता ने तालियां बजाकर हाथ उठाकर अमित शाह को समर्थन दिया। अमित शाह के कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना, राम कुमार वर्मा राज्यसभा सदस्य सहित टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, बामनवास विधायक पूंजी लाल मीना, गंगापुर सिटी विधायक मान सिंह गुर्जर, ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, सवाई माधोपुर विधायक दिया कुमारी सहित कई भाजपाई शामिल हुए। चुनावी शंखनाद तो भारतीय जनता पार्टी तो हर समय चुनावी मोड में रहती है। आपको पता है अमित शाह जी के पहले 9 राज्यों में सरकार थी, अब 19 में हो गई। तो ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो हरदम हर कार्यक्रम को चुनावी माहौल बनाए रहते हैं। बस सही है कि राजस्थान में ये सभा अपने आप में महत्वपूर्ण है और ये सभा 1.5-2 लाख की जाके बैठेगी। अमित शाह जी के सबसे बड़ी इस इलाके की ये सभा होगी और केंद्र और राज्य के जो काम है उनकी जानकारी जनता को देंगे। 11 बजे इनको पहुंचना लगे, अभी तक थोड़े नहीं पहुंचे, क्या कारण है? वो बरसात हो रही है चारों तरफ, कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई होगी मौसम की। बाकी समय पर आएंगे, समय पर वहाँ की भी दूसरी सभा कोटा में। विधानसभा क्षेत्र रायसिंह नगर के गांव 3PS में कल 55वां कबड्डी और कुश्ती खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विजेता खिलाड़ियों को सम्मान प्रतीक देकर सम्मानित किया गया। विधायक ने कहा कि खिलाड़ी को खेल खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। विधायक ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेल भी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाता है। इस मौके पर सैकड़ों ग्रामवासी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गौरव यात्रा के साथ सिंघाना पहुंची। सिंघाना में पूर्व प्रधान नीता यादव ने मुख्यमंत्री राजे का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। गौरव यात्रा रथ पर सवार मुख्यमंत्री ने वहीं से नीता यादव को भाजपा ज्वाइन करवाई। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम की जयकारे लगाए। मुख्यमंत्री ने लोगों से विकास के आधार पर वोट देने की अपील की। स्वागत कार्यक्रम के बाद गौरव यात्रा बुहाना रवाना हो गई। ज्ञात रहे कि नीता यादव पूर्व में भाजपा में थी, लेकिन पिछले विधानसभा चुनावों में टिकट नहीं मिलने वो निर्दलीय मैदान में उतरी। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़। नमस्कार।